मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यीशु वास्तव में मृतकों में से जी उठा या ये केवल एक कथा है? और अगर वो जी उठा तो 21वीं सदी में आपको और मुझे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैंने एक दिन एक समाचार रिपोर्ट सुनी जिसमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु या यूथेनेजिया क्लिनिक गया और अपनी आत्महत्या का वीडियो बनाकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई। वो गंभीर रूप से बीमार और पीड़ित था। मुझे लगता है यदि आप मानते हैं कि कब्र के बाद कुछ भी नहीं है तो इच्छा मृत्यु या यूथेनेजिया पूरी तरह समझ में आता है। लेकिन ईस्टर का ये संदेश है कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो वो फिर से जी उठा, उसकी कब्र खाली थी। और ये संदेश इस तथ्य के बारे में है कि यदि हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम भी फिर से जी उठेंगे, हमारे पास भी अनंत जीवन का मुफ्त उपहार होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, कब्र के बाद क्या है? आप क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास आपके लिए सिर्फ एक बीमा पॉलिसी है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो है ही, और या कुछ और? आइए यीशु की उस खाली कब्र पर एक और नजर डालते हैं, उस यीशु पर जो आपको और मुझे एक भविष्य देने के लिए फिर से जी उठता है, जो कब्र में समाप्त नहीं होता। ईस्टर इसी के बारे में है, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में एक शाश्वत भविष्य। आमीन। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें बस इतना करना है कि बस यीशु पर विश्वास करें, जो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए मर गया और फिर से जी उठा, यीशु। हाँ, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जब आप उस पर विश्वास करें तो आप नाश ना हो परंतु आप अनंत जीवन पाए। यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए। आप सभी को ईस्टर मुबारक।